previous year related to job application and resume. Okay, this is the question of 2K18 first semester. Please write down the question. It is in question number 7 of full strength. I mean 14 marks. Please write down the question. Assuming other details, comma, write your resume for a job application by giving suitable examples for your eligibility. Pragati, are you listening me? Yes sir. ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? क्या कहना चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अज्यूमिंग अदर डिटेल्स, बाकी डिटेल्स को आप आकलन कर लीजिए, अनुमान लगा लीजिए, सोच लीजिए. राइट योर रिज्यूम, अपना एक रिज्यूम भी लिखे. फॉर ए जॉब एप्लीकेशन, किसी जॉब एप्लीकेशन के लिए. बाई गिविंग, देते हुए. सुइटेबल एग्जाम्पल्स फॉर योर एलिजिबिलिटी, कि आप उसके लिए हर तरह से फिट है, एलिजिबल है. दिस इज क्वेश्चन ऑफ सेकेंड सेमेस्टर 2K18. लेट मी सर्च एंड देन आई विल टेल यू. ओके, अगेन क्वेश्चन इज देयर. प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन. राइट ए कवरिंग लेटर comma forwarding your CV to the head of a firm comma for any entry level position. इस क्वेश्चन को एक बार फिर समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूं हिंदी में. राइट ए कवरिंग लेटर. कवरिंग लेटर और जॉब एप्लीकेशन दोनों एक ही जैसी चीज है. क्या आप एक कवरिंग लेटर लिखें? फॉरवर्डिंग योर सीवी, जो आपके कुरिकुलम विचा सीवी को अग्रसारित करे. टू द हेड ऑफ ए फर्म, किसी फर्म के विभाग अध्यक्ष को या वटू से अध्यक्ष को. फॉर एनी एंट्री लेवल पोजीशन, किसी भी पोजीशन में जो फर्स्ट पोजीशन एंट्री लेवल का होता है उसके लिए अप्लाई कर. इट इज क्वेश्चन ऑफ 2K19 फर्स्ट सेमेस्टर. देख लू कि इसमें भी आया है कि नहीं. यस, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है. प्लीज राइट डाउन क्वेश्चन ऑफ 2K19 फर्स्ट सेमेस्टर. अज्यूमिंग द डिटेल्स कॉमा राइट ए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर ए जॉब. इस क्वेश्चन को भी हम एक बार फिर से समझने की कोशिश कर लें. अज्यूमिंग द डिटेल्स, जो विस्तार है उसका आकलन कर लीजिए, उम्मीद लगा लीजिए, अंदाजा कर लीजिए, समझ लीजिए. राइट ए लेटर, एक लेटर लिखे ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर ए जॉब, ताकि आपके नौकरी की मंजूरी आपको मिल जाए.
2K19 सेकेंड सेमेस्टर। अगेन क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख लिया जाए। प्रिपेयर प्रिपेयर ए कवरिंग लेटर अलोंग विथ कुरी कुलम विटा CURRICULUM कुरी कुलम विटा VITAE विटा फॉर रिक्रूटमेंट इन एन इंजीनियरिंग कंपनी। इंजीनियरिंग कंपनी, इस क्वेश्चन को एक बार फिर हम लोग समझ ले। प्रिपेयर ए कवरिंग लेटर, एक कवरिंग लेटर को तैयार करें अलोंग विथ कुरिकुलम वीटा, कुरिकुलम वीटा के साथ, फॉर रिक्रूटमेंट भर्ती के लिए, इन एन इंजीनियरिंग कंपनी किसी इंजीनियरिंग कंपनी में। सेकेंड सेमेस्टर 2K19। अगेन क्वेश्चन, प्लीज रीड डाउन राइट डाउन। प्रिपेयर ए कवरिंग लेटर, प्रिपेयर ए कवरिंग लेटर, प्रिपेयर ए कवरिंग लेटर अलोंग विथ कुरी कुलम विचा फॉर रिक्रूटमेंट इन एन इंजीनियरिंग कंपनी। इंजीनियरिंग कंपनी तैयार कीजिए एक कवरिंग लेटर, साथ ही साथ पूरी कुलम विचा भी भर्ती के लिए किसी इंजीनियरिंग कंपनी में। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ 2K20 स्पेशल एग्जामिनेशन, इसमें भी देख लेता हूं। यस, अगेन क्वेश्चन, प्रिपेयर ए कुरी कुलम विचा, प्रिपेयर ए कुरी कुलम विचा फॉर रिक्रूटमेंट इन एन आई टी कंपनी, इन एन आई टी कंपनी, इन एन आई टी कंपनी। प्रिपेयर ए कुरी कुलम विचा, एक कुरिकुलम वीटा तैयार करें फॉर रिक्रूटमेंट भर्ती के लिए इन एन आईटी कंपनी, किसी आईटी कंपनी। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हियर रुद्र प्रताप जी, दैट एवरी ईयर आई गेव यू एन एग्जाम्पल विद क्वेश्चन एंड एविडेंस ऑल्सो दैट हाउ मेनी टाइम्स योर जॉब एप्लीकेशन एंड सीवी हैज बीन आस्क्ड। Now the question is quite obvious that this is a question which every year you can say it was asked. In another word, we can say that this was the only question which was sure shot in every examination. Now the question arises, if it is so, as I gave you, 5 times this question were asked, 2K18 first semester, 2K18 second semester, 2K19 first semester, 2K19 second semester, and unfortunately due to pandemic last year the examination could not be conducted, yet some centers boycotted the examination for certain reason, and for them a special examination was conducted in SIT Sitamarhi and somewhere in Purnia Gaya Engineering College and so on. Anyway, again in that particular special examination, the question is there.
Now the question is quite obvious that this has to be read and understood. So please take a very special care of this. कि मुझे इसके लिए कुछ समय लगे तो लगे. If you agree, मैं इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ाना चाहूंगा. Do you all agree with my view? Yes, sir. क्योंकि ये दो बात से इम्पोर्टेंट हो जाता है. एक तो इम्पोर्टेंस की वजह साफ समझ में आती है कि हर साल पूछे जाने वाले क्वेश्चन को हम लाइटली क्यों ले. दूसरा सवाल यहां पर ये आता है कि अगर ऐसा है तो फिर हम इसे इतना अच्छे से पढ़ लें, इतना ढंग से पढ़ लें कि मुझे कभी भी इस क्वेश्चन को लिखने में कोई दिक्कत नहीं. सबसे पहले हम लोग जाने कि सीवी बनता कैसे है. लिखेंगे? आर यू रेडी टू राइट? ओके. व्हाट टॉपिक इज, व्हाट इज रेज्यूम? आर ई एस यू एम ई, रेज्यूम. व्हाट इज रेज्यूम? व्हाट इज रेज्यूम? डेटा, बी आई ओ डैश डी ए टी ए, बायोडेटा ऑब्लिक सी वी, जिसे आप कहते हैं कोरिकुलम वीटा. अभी मैंने लिखा दिया. सी वी लाइक टेलीविजन टीवी, लाइक कोरिकुलम वीटा सी वी. सी वी इज एब्रीविएशन ऑफ कोरिकुलम वीटा. प्लीज राइट डाउन द रिज्यूम. द रिज्यूम which is also called, which is also called biodata, biodata or CV, CV with the covering letter, with the covering letter. With the covering letter, with the covering letter is the most important, is the most important document, document, document in the job getting process, in the job getting process. Stop. It is an organized, it is an organized summary of a candidate's educational and professional history and qualifications. Please stop. It is only a piece of paper that throws a flood of light a flood of light on the candidates background and tells the employer
हु इज कॉमा व्हाट ही हैज डन, व्हाट ही हैज डन एंड व्हाई, एंड व्हाई द एम्प्लॉयर शुड, द एम्प्लॉयर शुड अपॉइंट हिम, अपॉइंट हिम फुल स्टॉप. इन शॉर्ट कॉमा इट इज ए सेल टूल्स, SALE, ए सेल्स टूल बाई विच यू आर गोइंग टू सेल योर सेल्फ, टू सेल योर सेल्फ इन द मार्केट, इन द मार्केट. आशीष ध्यान से सुनिए, मैं इसको हिंदी में समझाने की कोशिश करूंगा. रिज्यूम जिसे कभी हम बायोडाटा कहते हैं या हम कुरिकुलम वीटा कहते हैं, ये कवरिंग लेटर के साथ एक ऐसा जरूरी डॉक्यूमेंट है जो किसी भी जॉब के मिलने में सबसे अहम भूमिका अदा करता है. ये सच पूछिए तो एक संगठित सारांश होता है किसी भी अभ्यर्थी का, किसी कैंडिडेट का, दोनों चीज का, कि उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा रहा है, उसका प्रोफेशनल बैकग्राउंड कैसा रहा है, उसकी तालीम कैसी रही. कहने को तो ये एक कागज का टुकड़ा है, मगर ये कागज का टुकड़ा एक फ्लड ऑफ लाइट की तरह है, यानी कि इसमें सारे तरह से प्रकाशित कर दिया जाता है कि कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहा है, वो कैंडिडेट जिसका सिलेक्शन होना है, वो कैंडिडेट जिसे आप बुलाएंगे, उसका पृष्ठभूमि बैकग्राउंड रहा क्या है, और साथ ही साथ बहाल करने वाले एम्प्लॉयर को ये बतलाता है कि अब तक इस कैंडिडेट ने क्या कुछ किया है और कौन सी वजह है कि शॉर्ट लिस्टिंग में इसका नाम दिया जाए, या साफ भाषा में कहें हमें इसे बहाल ही क्यों करना चाहिए. मेरे पास एक जॉब है, मेरे पास 1,000 एप्लीकेशन आया है, हम 999 लोगों को छांट रहे हैं, उसमें इनको भी क्यों नहीं छांट दें, क्यों हम इनको छांटे के बजाय शॉर्ट लिस्टिंग करें, बुलाएं, या फ्रेंकली स्पीकिंग हम सीधे बहाली कर लें. तो छोटे मोटे ढंग से सारांश में, संक्षेप में, या इन शॉर्ट हम कहें तो हमें ये कहना होगा कि ये एक तरह का वो सेल टूल है, यानी कि वो बिक्री का आधार है, वो तरीका है जिसे लेकर आप अपनी कीमत मार्केट में लगाते हैं. डिड यू गेट माई पॉइंट आशीष और नॉट? बोलिए. यस सर, यस सर. आप आईपीएल देखा होगा, आपने आईपीएल की बोली सुनी होगी, उसका सब लाइव टेलीकास्ट होता है. हर खिलाड़ी को एक कीमत नहीं मिलती. क्यों? क्योंकि हर का बैकग्राउंड अलग अलग, हर का कीर्तिमान अलग अलग है, हर की कैपेसिटी अलग अलग, और वहां पर उन खिलाड़ियों का बैकग्राउंड के भाई ये फलाने वर्ल्ड कप के फलाने क्रूशियल स्टेज पर जब मात्र 3 बॉल पर हमें इतने रन मारने थे, इन्होंने ऐसा करके दिखा दिया था. फलाने मैच का रुख इन्होंने अकेले बदल कर दिखा दिया था. फलाने टाइम में इनकी बॉलिंग ऐसी रही कि पूरी टीम ध्वस्त हो गई, वगैरह वगैरह. इनकी फील्डिंग इतनी अच्छी थी कि इम्पॉसिबल कैच लिया था. जो भी उनकी कारकर्दगी, उसको देखकर ही वो मार्केट में उतरता था और मार्केट उसी हिसाब से उनकी बोली लगाता है. तो आपका रिज्यूम भी आपकी बोली उसी हिसाब से लगाएगा जो उसमें आप डालते हैं. आगे बढ़े. इज इट एवरीथिंग ओके? प्रगति, ये बात समझ में आ गई? रुद्र जी, समझ में आ गई? ओके. चेंज द पैराग्राफ. सी वी, सी फुल स्टॉप वी, अंडर ब्रैकेट कूरी कूलम वीटा, सी यू डबल आर आई सी यू
LUM बीटा, BITAE बीटा, क्लोज अंडर ब्रैकेट, इज ए लैटिन टर्म एंड इट मीन्स द कोर्स ऑफ लाइफ। इसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दीजिए। अक्सर ये प्रॉब्लम आता है कि सर ये सीवी है कौन सी बना, कुरिकुलम बीटा मुझे नहीं लगता कोई इंग्लिश का वर्ड है। यस, इंग्लिश का वर्ड नहीं है, लैटिन वर्ड है, इसका अर्थ जानना चाहिए। इट मीन्स द कोर्स ऑफ लाइफ फुल स्टॉप। इन मोस्ट केसेस सीवी कुरिकुलम बीटा सीवी is very similar to resume but is longer and more descriptive. Full stop. It is sir, most frequent in most cases CV is similar to resume but is longer and more descriptive. Full stop. It is most descriptive, but it is longer and more descriptive. Full stop. It is most frequently used. It is most frequently used when you apply for academic or research positions. Full stop. A resume is usually one or two pages long, comma, used in government, comma, business, and other types of jobs. Full stop. Biodata is a term which is most frequently used in South Asia. The way your resume is worded it can create a favorable impression among prospective employers
इम्प्लायर्स फुल स्टॉप. इट शुड बी क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड वेल लेड आउट, एंड वेल लेड आउट फुल स्टॉप. इट इज ऑल्सो नेसेसरी, इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू मॉडिफाई योर रिज्यूम फॉर एवरी न्यू जॉब, फॉर एवरी न्यू जॉब, फॉर एवरी न्यू जॉब. चूंकि ये क्वेश्चन आपके हर साल आया है और ये क्वेश्चन एकदम अवश्य भावी हो गया है, इट इज आस्क्ड एवरी टाइम, इसलिए मैं इस पर समय देकर पूरा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, हिंदी में भी इंग्लिश में. ठीक है निशा, ध्यान दे, मैं अब इसको हिंदी में समझाने की कोशिश कर रहा हूं. ये सीवी शॉर्ट एब्रीविएशन में कहते हैं, जैसे टीवी कहते हैं. फुल फॉर्म है इसका कुरिकुलम वीटा, CURRICULUM, कुरिकुलम वीटा, VITAE. लाइक सो मेनी वर्ड्स, इननंबरेबल वर्ड्स विच केम इन इंग्लिश फ्रॉम अदर लैंग्वेज, ये भी वर्ड जो है वो इंग्लिश का नहीं है, एक लैटिन टर्म है जो लैटिन जबान से इसमें आया है इंग्लिश में, जिसका अर्थ होता है कोर्स ऑफ टाइम. ज्यादातर केसेस हम ये कह सकते हैं कि सीवी भी रेज्यूम के जैसा ही होता है, थोड़ा सा फर्क है, सीवी थोड़ा लंबा हो जाता है और सीवी थोड़ा अधिक विस्तृत जानकारी देता है. और ये ज्यादा से ज्यादा, या यूं कह सकते हैं कि अक्सर इसका इस्तेमाल तब होता है जब हम आगे की पढ़ाई के लिए कोई एकेडमिक पर्पस से यूज करते हैं, या आगे कोई शोध रिसर्च करना चाहते हैं तो इसका यूज करते हैं. और यू कैन से के इस किस्म के किसी काम के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं. अब सवाल ये है कि रिज्यूम जो है आम तौर पर, जैसे हम सीवी कहें, सीवी रिज्यूम एक ही जैसी चीज है, वो एक पेज का हो सकता है, मगर अधिक से अधिक मान के चलिए कि दो ही पेज का हो सकता है, इससे ज्यादा बड़ा लोग तैयार नहीं करते. और अधिकतर केस में जो हम सीवी देते हैं उसका इस्तेमाल किसी गवर्नमेंट जॉब में होता है, किसी बिजनेस सेक्टर में होता है, या कई तरह के जॉब्स के लिए यूज करते हैं. एक वर्ड आ गया बायोडाटा. बायोडाटा एक खास शब्द है जो साउथ एशिया सार्क के कंट्री में सीवी और रिज्यूम को कहा जाता है, मगर मुझसे आप कहेंगे तो मेरा थोड़ा सा अनुभव इसमें बदल जाता है. मैंने देखा है कि बायोडाटा पर्सनल केस के लिए होता है, क्योंकि बायोडाटा जब भी मुझे देखने को मिला वो उसका डिस्क्रिप्शन पर्सनल लेवल में होता है. मान लीजिए कि किसी की निगोसिएशन चल रही है, किसी को किसी से रिश्ता करना है, या कोई एक्सपेक्टेड ग्रूम या ब्राइड बनना चाहता है, तो वो बायोडाटा तैयार करेगा तो उसमें वो सारे कॉलम्स होते हैं विच इज नॉट नेसेसरी फॉर गवर्नमेंट जॉब. जैसे मैं हूं तो मेरा रेज्यूम और सीवी अलग बात बताएगा कि मैंने किस यूनिवर्सिटी से डिग्री ली, मेरा मार्क्स का पोजीशन क्या था, मेरा ग्रेड क्या था, मैंने किस किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, मैं किस कॉलेज से रहा हूँ कहना. लेकिन इफ आई मेक माई बायोडाटा तो मुझे अपने फादर को हाईलाइट करना होगा कि व्हाट ही वॉज, तो ही वॉज डिप्टी सेक्रेटरी इन बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि मैं सीवी में नहीं लिखता, वहां नाम लिख दूंगा, दैट्स ऑल. मेरे कितने भाई बहन है ये मैं नहीं लिखना चाहूंगा, मगर बायोडाटा बनाऊंगा तो लिखूंगा, क्योंकि वहां एक फैमिली बैकग्राउंड मुझे देना है कि मेरे बड़े भाई जॉइंट डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी थे,
या कोई और लोग क्या थे, इसकी मुझे सीवी में जरूरत नहीं पड़ेगी, बायोडाटा में पड़े, बिकॉज बायोडाटा सर्व्स द अनदर पर्पस। ये पर्सनल लेवल पर होता है। और भी कुछ नामी लोग मेरे घर में हुए होंगे, बड़े बड़े पोस्ट होल्ड किए होंगे या प्रतिष्ठित लोग रहे होंगे, फेमस लोग रहे होंगे, तो उनके बारे में मैं चाहूंगा कि बायोडाटा में डालू सीवी और रिज्यूम में। चूंकि मुझे जॉब लेनी है और जॉब की बात करनी है, इसलिए मैं बायोडाटा के डिटेल्स में नहीं आ रहा। अदरवाइज फिर बायोडाटा पर आइएगा तो फिर मेरा लेक्चर बदल जाएगा। जैसे मैटरनल साइड का पूरा लिखना होगा कि मैटरनल साइड मेरा क्या है, मेरे माँ और मेरे मामा जी या मेरे मौसा जी क्या करते हैं, जो कि सीवी में अलाउ नहीं होता। इसी तरह से पैटर्नल साइड लिखना होगा। हाँ पूछिए 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 आशीष सर। सर बायोडाटा में एकेडमिक डिटेल इंक्लूड नहीं कर सकते? कर सकते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि इस काम के लिए जब ऑलरेडी मेरे पास सीवी का फॉर्मेट है, रेज्यूम का फॉर्मेट है, और आपके 5 साल के क्वेश्चन को मैंने दिखा दिया, किसी में बायोडाटा लिखा है? अभी आपने 5 क्वेश्चन नोट किया है, मुझे ये बताइए किसी क्वेश्चन में बायोडाटा शब्द यूज हुआ है? निशा आपने नोट किया था? आशीष आपने नोट किया था? यस सर। रवि आपके 5ों क्वेश्चन में कहीं पर बायोडाटा शब्द है? नो सर। नहीं ना? तो फिर मेरी बात आ गई ना कि बायोडाटा इज समथिंग पर्सनल। ये आप फैमिली बैकग्राउंड दिखाने के लिए, अपने सोशल स्टेटस को दिखाने के लिए और इस टाइप के ग्राउंड को दिखाने के लिए यूज करते हैं। उसमें आपकी पढ़ाई लिखाई और आपका कैरियर अचीवमेंट पीछे चला जाता है। हाईलाइट होता है कि व्हाट फैमिली यू बिलोंग, आप किस खानदान से आते हैं, किस मोहल्ले में रहते हैं, आपके खानदान में कितने बड़े बड़े लोग हुए हैं, कौन जुडिशियरी में कौन से पोस्ट पर है, वगैरह वगैरह। एनीवे, चूंकि मुझे उससे कुछ खास लेना देना नहीं है, बट आई डू एग्री आशीष कि आप उसमें दे सकते हैं। और मैंने बताया कि उसका पर्पस सोशल कॉन्टेक्ट के लिए होता है, तो ऑब्वियसली मान लेते हैं कि इफ आई एम ए एक्सपेक्टेड पर्सन टू डिसाइड दोस थिंग्स, मेरे फादर को मेरे बारे में इस किस्म का कोई फैसला लेना है कि भाई मेरी शादी करनी है या मेरा रिश्ता कहीं जोड़ना है, तो वो मेरा एजुकेशन के बैकग्राउंड देंगे, मेरे पोस्ट को देंगे, बट वो बायोडाटा होगा, ना कि सीवी होगा, रिज्यूम होगा। आइए एक बात और बता दे कि बायोडाटा का टर्म एक ऐसा टर्म है जो सार्क के देशों में यूज होता है। अगर आप नेट पर जाएंगे तो बायोडाटा साउथ एशिया के ही कंट्री में ज्यादा यूज होता है या नहीं होता। एनीवे आगे चले हम लोग, रिज्यूम की बात भटक जाएंगे। सबसे पहली बात कि रिज्यूम में जैसे शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं, जिस किस्म से उसकी वर्डिंग करते हैं, वो एक अनुकूल इंप्रेशन डालता है उन इंप्लायर्स के पास जिनको हम भेज रहे हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो रिज्यूम या सीवी बना रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं इंटरेस्ट बाकी रहे। इंटरेस्ट का मतलब दिलचस्पी रहे कि आगे वो पढ़ना चाहे, और विस्तार के साथ फैलाना चाहिए, एक्सपेंशन इतना क्लियर हो कि पढ़ने वाले को फिर कुछ दिक्कत नहीं हो। और एक बात ध्यान रखेंगे, वक्त नहीं रोकता, इसलिए आपने कभी फुर्सत से एक रेज्यूम बना लिया, एक सीवी बना लिया और हर जॉब में बस निकाला, प्रिंट आउट और जाकर जमा कर दिया, नहीं। जैसे आपका मोबाइल हर समय अपडेटिंग मांगता है, इसके एप्स को आप अपडेट करते हैं, खुद को भी अपडेट करते हैं, मेडिकल थ्योरी भी अपने आप को अपडेट करती है, लाइक वाइज नए नए जॉब के लिए आपको अपने रेज्यूम को मॉडिफाई करना होगा। मान लेते हैं, जस्ट एज्यूम, मैंने MIT पूर्णिया में पढ़ाया, वही रिज्यूम मेरे पास पड़ा हुआ, भेज दिया। Who will know के I was a long term teacher in MIT मुजफ्फरपुर? Who will know that I was
ए लॉन्ग टर्म टीचर इन सीतामढ़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हु विल नो दैट राइट नाउ आई एम टीचिंग इन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वैशाली. ये तभी लोग जान पाएंगे जब हम उसको बार बार बदलते जाएंगे और नए नए अचीवमेंट्स को डालते जाएंगे. चेंज द पैराग्राफ, क्योंकि टाइम बहुत कम है, इसको कंप्लीट कर लेते. इट्स पर्पस इज टू क्रिएट द एम्प्लॉयर्स इंटरेस्ट एंड गेट यू एन इंटरव्यू. फुल स्टॉप. द मोर इंफॉर्मेशन यू प्रेजेंट अबाउट योर सेल्फ कॉमा द बेटर इट इज फुल स्टॉप. यू मस्ट नो ओके. फिर से मैं पढ़ रहा हूं. इट्स पर्पस इज टू क्रिएट द एम्प्लॉयर्स इंटरेस्ट एंड गेट यू एन इंटरव्यू फुल स्टॉप. द मोर इंफॉर्मेशन यू प्रेजेंट अबाउट योर सेल्फ कॉमा द बेटर इट इज फुल स्टॉप. यू मस्ट नो दैट योर एम्प्लॉयर will not spend more than 10 seconds on your resume. Full stop. It is also necessary to keep in mind that your resume should not be the record of your past experience. Full stop. It must show what you can do. It must show what you can do for the employer's benefits. क्योंकि समय समाप्त हो गया है, इसलिए मैं एक बार हिंदी में सारांश निचोड़कर बताकर क्लास एंड करूंगा. बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़े. इसका मकसद ये है कि जो भी आपकी बहाली करने वाला एम्प्लॉयर है उसके अंदर आप इच्छा जगा दें, और इतनी इच्छा जगा दें, रिज्यूम इतना अच्छा बनाए, सीवी इतना अच्छा बनाए कि वो आपको इंटरव्यू तक के लिए बुलाए. क्योंकि
अगर आप उसमें ही छट गए तो शॉर्टलिस्टिंग ही उड़ गए, फायदा क्या होगा। और इसीलिए कहा गया है कि आप जितना ज्यादा सूचना इंफॉर्मेशन इसमें देंगे ये उसके लिए आपके लिए तो बहुत अच्छा रहेगा, आप कोई हकीकत छुपाए नहीं। ठीक है, वो पूछेंगे कि भाई आपने MIT पूर्णिया का चर्चा किया क्यों छोड़ दिया, पूछेंगे देंगे जवाब, बट लिखिए कि आप वहां थे, MIT मुजफ्फरपुर में आप पढ़ा रहे या नहीं पढ़ा रहे, पूछेंगे, देखा जाएगा, इंटरव्यू में बताएंगे हम, बट हम ज्यादा से ज्यादा उन्हें अवगत कराएं, ये मेरे लिए अच्छा रहेगा। और एक बात का जरूर ध्यान रखें कि जिस आदमी को शॉर्ट लिस्टिंग के लिए मौका मिला है, जो आपका नियोजन करने वाला पदाधिकारी है, उसके पास आपके लिए 10 सेकंड से ज्यादा नहीं है। उस 10 सेकंड में आपके रिज्यूम और CV में कुछ बात ऐसी होनी चाहिए कि वो आपका नीचे नहीं फेंके, अलग रख दे कि यस दिस कैंडिडेट शुड बी कॉल्ड, मैं इस कैंडिडेट से मिलना चाहूंगा, 10 सेकंड में ही आपको देख लेगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपके लिए यह बहुत जरूरी है कि आप जो CV बनाते हैं ये सिर्फ एक कीर्तिमान और बेस नहीं हो, बल्कि आप अनुभव तो दें, साथ ही साथ कोशिश कीजिए कि एम्प्लॉयर के दिमाग में ये बात समझा पाए हम रिज्यूम के जरिए कि I am veteran teacher, I am experienced teacher, I have got confidence and I will be an asset for them. अगर मेरी बहाली वो कर ले तो उनके लिए बहुत 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 फायदा होगा। ऐसा कुछ क्रिएट करने में आप कोशिश कीजिए कि एम्प्लॉयर को कुछ फायदा आप में नजर आए। दुनिया प्रॉफिट लॉस पर चलती है, हम कोई फैसला लेते हैं तो प्रॉफिट लॉस होता है, तो वो आपको कुछ ऐसा देखे कि इसको रखने से मुझे फायदा हो। एक्सपीरियंस तो देंगे ही, रिकॉर्ड तो देंगे ही, कुछ ऐसी बातें देना। सॉरी टाइम इज अप, मैं मुझे इसमें टाइम देना होगा। नेक्स्ट टाइम मैं ये बताऊंगा कि आपका जो रेज्यूम होगा उसमें, अच्छा चलिए लिख लीजिए, द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड CV ऑफ ए गुड CV आर नंबर 1 नीटनेस, NEATNESS, नीटनेस। नंबर 2 सिंप्लिसिटी, SIMPLICITY, सिंप्लिसिटी। नंबर 3 एक्यूरेसी, ACCURACY। एंड नंबर 4 ऑनेस्टी, HONESTY। आप जब भी रिज्यूम लिखें, CV लिखें, उनको साफ सुथरा होना चाहिए। चलिए ये परेशानी तो आपकी कंप्यूटर ने ही तय कर दी, अब राइटिंग रहा कहाँ जो नीटनेस की प्रॉब्लम है, आप तो टाइप करके देते हैं तो फिर पढ़ने में दिक्कत नहीं। दूसरा पॉइंट है सिंप्लिसिटी, साफ सुथरा होना चाहिए। जैसे मैं पढ़ाते समय एक वर्ड देख रहा था कि इट्स पर्पस इज टू किंडल, KINDL, किंडल द एम्प्लॉयर्स इंटरेस्ट। मुझे लगा KINDL, किंडल का मतलब होता है माचिस से कोई चीज जलाना, जगाना, प्रकाशित करना, थोड़ा टफ वर्ड है, अच्छा नहीं लग रहा, स्टूडेंट्स को सर ढूंढना पड़ेगा। मैंने तुरंत रिप्लेस करके उसको सिंपल बना दिया, क्रिएट, पैदा करना, उत्पन्न करना, जगाना। तो आपका रिज्यूम भी बिल्कुल साफ सुथरा, सिंपली डेकोरेटेड होना चाहिए। तीसरी खासियत एक्यूरेसी होनी चाहिए, एक्यूरेसी का मतलब सटीकता होनी चाहिए। मैंने अभी बताया कि मैं बायोडाटा नहीं लिख रहा हूं, सो आई विल नॉट राइट माई फादर वॉज सो एंड सो व्हेन ही वॉज इन जॉब। मैं नाम जरूर लिख दूंगा लेकिन एक्यूरेसी मेरी ये होगी कि मुझे इररिलेवेंट बातें नहीं लिखनी है, मुझे जॉब चाहिए, मेरे फादर को जॉब नहीं चाहिए, इसलिए मैं अपने बारे में ही लिखूंगा। और लास्ट बात ऑनेस्टी,
आप जो कुछ लिख रहे हैं ये याद रखें, प्लीज याद रखें, 100% याद रखें कि आपका शॉर्ट लिस्टिंग अगर धोखे से हो जाता है तो आपको वो कागज दिखाने होंगे कि यू गॉट टॉपर इन फर्स्ट सेमेस्टर, आपका इतना मार्क्स था कि आप यूनिवर्सिटी के ओवरऑल टॉपर थे। अगर लिख देते हैं तो आपको साबित करना पड़ेगा। सो ऑलवेज बी ऑनेस्ट वाइल राइटिंग योर सीवी, वरना उससे नुकसान कभी नहीं होगा जितना बड़ा नुकसान आपको होगा कि आप लिखते कुछ हैं और प्रूफ नहीं देते। तो सीवी शुड बी ऑनेस्ट, सीवी में कहीं कोई बात अपने से नहीं लिखेंगे क्योंकि हर बात का प्रमाण माना जाए। डिड यू गेट माई पॉइंट? हाँ, अब इस पर लंबा डिस्कशन हम लोग फिर बाद में करेंगे कि रेज्यूम बायोडाटा जो बनाते हैं उनमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं और उन एलिमेंट्स में हम क्या क्या लिखेंगे। रेज्यूम जब बनाएंगे तो उनमें कौन कौन सी बातें आएंगी और उनमें हम कैसे भरेंगे, कैसे लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। डिड यू गेट दिस आइडिया? आवाज यस आवाज आ रही है? हाँ, अनफॉर्चुनेटली आप लोगों ने स्प्लिट कर लिया, आपका क्लास अलग है, उनका क्लास अलग है, इसलिए मुझे अब उस क्लास में जाना है। प्लीज आई कॉल इट टुडे, गुड बाय, एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द रेस्ट ऑफ दैट। इसमें जो अभी मैंने पढ़ाया है, ऑल ऑफ यू आर इनवाइटेड इन नेक्स्ट क्लास टू कम विथ आई नो यू डिड नॉट डू, आई नो, बट डिमांड इज डिमांड। अब इलेक्ट्रिकल वालों का अगर जरूरत है कि अलग पढ़े तो पढ़ सकते हैं, एंड व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, नेक्स्ट क्लास में मैं कंक्लूड कर लूंगा। थैंक यू वेरी मच, ओके, थैंक यू सर, वेलकम वेलकम, लेट मी वेलकम।